नमस्कार मित्रों मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए हीट स्ट्रोक से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, आज गर्मी इतनी बढ़ रही है कि लोगों को हीट स्ट्रोक होना आम बात हो गई है। हीट स्ट्रोक, जिसे ऊष्माघात भी कहा जाता है, ऐसी अवस्था है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के शरीर का तापमान अत्यधिक धूप या गर्मी की वजह से बढ़ने लगता है। शरीर से ज्यादा पसीना निकलने की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और उसे हीट स्ट्रोक हो जाता है। इस दौरान व्यक्ति को भूख कम लगती है, सिर दर्द, थकान, चक्कर, डिहाइड्रेशन और बुखार आ जाता है। यह समस्या सही हो सकती है और इसका इलाज आपके घर पर ही मौजूद है। मित्रों, आम का पना गर्मियों के दिनों में खूब बिकता है। इसे आप अपने घर पर ही बनाकर पी सकते हैं और हीट स्ट्रोक से छुटकारा पा सकते हैं। दिन में एक गिलास काफी है। मित्रों, पानी में इमली डालकर उबाल लीजिए। 15 मिनट के बाद इसे मैश कीजिए और छान कर उसमें नमक और पानी मिलाइए। इससे गर्मी का बुखार सही हो जाता है। मित्रों, शरीर की गर्मी को उतारने के लिए प्याज बहुत उपयोगी होता है। कटे हुए प्याज को जीरे के साथ भून लीजिए। इसका सेवन करने से पाचन क्रिया सही होगी, जो कि गर्मी की वजह से बिगड़ जाती है। मित्रों, गरी का दूध निकालकर उसमें काली मिर्च के दाने पीस कर डालें और शरीर पर लगाएं। ऐसा करने से शरीर से गर्मी तुरंत निकल जाएगी। मित्रों, चाय कॉफी की बजाय आप फलों के रस पिया करें अथवा गन्ने का जूस पिया करें। नारियल का पानी पीना भी गर्मी के दिनों में बहुत लाभ पहुंचाता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है। मित्रों, पानी एवं कई खनिजों का मिश्रण होता है इलेक्ट्रोलाइट नमक, जो निर्जलीकरण की अवस्था में आपके शरीर में बहुत ही कम हो जाता है। खनिजों एवं नमक पानी के कम होने से आप बहुत ही कमजोर महसूस करने लगते हैं एवं आपके बदन मांसपेशियों में दर्द एवं कमजोरी रहने लगती है। ऐसी अवस्था में आप इलेक्ट्रोलाइट नमक का प्रयोग करें। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।